रूबी जी, मक्का में पता भी नहीं चल रहा है किधर छुप गए। मेरे से ही बड़ा बड़ा मक्का हो गया है। जूनियर जी छोटा वाला बन गए हैं। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों दोपहर का ब्लॉग है और आज हम लोग काफी लेट से वीडियो शुरू कर रहे हैं। हमारी तबीयत अच्छा नहीं थी और रात भर लाइन नहीं था तो मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया था, इसीलिए हम लोग जो है शुरुआत भी नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर देख लीजिए, हम जो है बगीचे से बहुत कुछ तोड़ने वाले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज का ब्लॉग बहुत लेट से हम लोग शुरू किए हैं और हम लोग सब्जी में कुछ बनाए नहीं थे क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी। बस थोड़ा सा आलू का सब्जी ऐसे ही हम लोग ना जो गूटा मसाला होता है उससे हम लोग बनाए थे। तो आज ना सब्जी जा रहे तोड़ने के लिए, तो आइए हमारे साथ और हमारा हेल्प भी कर दीजिए। और आज ना हम आपको अपना बगीचा भी दिखाते हैं। देखिए हमारे बगीचा में क्या क्या लगा हुआ है, किस किस का सब्जी अभी हम तोड़ के बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा मक्का कितना बड़ा हो गया है। मक्का जो है भूवा भी निकालने लगा है, ये देख लीजिए। अब मक्का में छिप जा रहे हैं। रूबी जी, मक्का में पता भी नहीं चल रहा है किधर छुप गए। मेरे से ही बड़ा बड़ा मक्का हो गया है। और आज हम लोग मक्का का जो है वीडियो काफी दिनों बाद ले रहे हैं, तो आप भी सोच रहे हैं कितना बड़ा मक्का हो गया। भिंडी ज्यादा नहीं फड़ा है, एक दो पीस ही फड़े हैं, ये देखिए छोटे छोटे। भिंडी ना लगभग एक दो दिन पर तोड़ ही ले रहे हैं हम लोग डूबू खाने के लिए स्पेशल। और यहाँ पर देखिए हमारा बोदी जो है ना फला हुआ है। डूबू का फेवरेट है ये बोदी, जब मन करता है ना आते हैं और यहाँ पे ना एक दो बोदी लगा हुआ रहता है, सारा तोड़ लेते हैं। ये देखिए ऊपर चढ़ेंगे, आप चढ़िएगा इसके ऊपर में चढ़ के निकालें। यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा, उधर साइड में तो नहीं, इधर आएगा चढ़ जाते हैं, चढ़िए। तो दोस्तों ये देखिए डूबू के पापा दीवार के ऊपर चढ़ गए हैं, आराम आराम चढ़िएगा, देखिएगा अच्छा अच्छा दाना होगा तो ही तोड़िएगा, गदराल दाना होगा ना तब एका दुका तो है, क्या कीजिएगा। पानी यहाँ हमारे यहाँ गिरती तो लगातार गिरती है, नहीं तो कम से कम चार दिन से बारिश नहीं हो रही है ना। हाँ, चार दिन हो ही गया होगा, हो गया। और धूप भी हल्का ना बहुत कड़ा लगा, देखिएगा देखिएगा यहाँ पे भी है बोदी दाना, अभी तो पलटी कर जाएगा, देख के कीजिएगा। दिक्कत है तोड़ने में यार, हम मेरे हाथ में दीजिएगा, गिर जाएगा ना, दीजिए लीजिए, लेके करके पहले सब तोड़ लेते हैं ना। तोड़ लीजिए, एक दाना आपको दिखा, यहाँ पे है, ये देखिए दोस्तों ये पक गया है, ये पका फिर भी मुलायम होगा, हो गया ना। इधर साइड में नहीं ना है, नहीं है, उतर जाइए आइए तब। दोस्तों हम जो है नीचे में आ गए हैं, ऊपर जितना भी था मैंने तोड़ लिया है, एक करके ऊपर ये सब कहे नहीं तोड़ रहे हैं। आप देखिए सींचा है ना, ठीक है सींचा नहीं है, फिर ये बुढ़ा जाएगा। दाना अच्छा लगता है खाने में, तो दाना अच्छा है इसका जी। और मिर्चा भी है, घर का फला हुआ मिर्चा है, इधर नहीं है। और दोस्तों हम लोग ना बहुत जल्द बाहर जाने वाले हैं, उसका ब्लॉग आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा। अब जितना आने वाले ब्लॉग है ना बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, तो उसी के चलते हम आपके साथ एक बहुत अच्छा चीज शेयर करेंगे। और अभी आपको पता है अभी तेज का सीजन चल रहा है और घर की हाउसवाइफ सोचती है ना कि क्या मेकअप में करे, तो आज ना मैं आपके साथ छोटी सी ब्यूटी टिप्स भी शेयर करना चाहूंगी जो आप इजिली घर पे कर सकते हैं। तो पहले मैं और कुछ सब्जियां तोड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं बारीकी से एक एक सारे स्टेप में बताऊंगी। आइए ना पहले तोड़ लेते वहां से मिर्चा, हमारे घर का जो है ना गादा मिर्चा है। यहाँ पर देखिए हम लोग इस साइड में आ गए हैं, यहाँ पर कुछ बोदी हैं जो फल दे रहे हैं। और ये बोदी पता है लर बहुत पुराना लर है, स्टार्टिंग में ही लर फर रहा था, वही लर अभी तक हटा भी नहीं है और आराम से फर रहे हैं। और देखिए फर्स्ट बीन है, फर्स्ट बीन को तोड़ लीजिए, ये है ना। हाँ, कीड़ा का दवा छीट रहे तब जाके हमारा कुछ सब्जी बचा है। और एक दो पीस मिर्चा है ना, उसको भी सब्जी में डालने के लिए तोड़ ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा मिर्चा, ये साग को ना उठा दीजिए, गिर जाएगा सब। नहीं, मिर्चा लग रहा है, रेड वाला साग है मिर्चा। दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना बड़ा हो गया है और बहुत तीखा भी लगेगा खाने में, कैसे नहीं लगेगा, तोड़ दें। हाँ,
हम लोग दोनों मिलके एक मिर्चा तोड़े हैं आज ना। एक एक मिर्चा पहली बार खेत से तोड़ रहे हैं। घर में ना मिर्चा फड़ना बहुत जरूरी है ताकि किसी की नजर ना लगे। मिर्चा की तरह छुपते रहे आँख में। हाँ। और है क्या? एक यहाँ भी एक डुबू के लिए। डुबू के लिए मिल गया छोटा सा। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो सब्जी था जो खेत के थे वो टूट गए हैं। और दोस्तों अभी हमने खाना वाना सारा कंप्लीट कर लिया है और अभी डुगू पापा दोनों साथ में खेल रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ अपने ब्यूटी टिप्स थोड़ी शेयर करना चाहूंगी। तो आप मेरे चेहरे देख के यकीन कर लो कि मेरा चेहरा अभी कितना ज्यादा डार्क दिख रहा है और ये देखिए कहीं कहीं ना ब्लैक हैंड्स भी दिख रहे हैं। तो कभी कभी ना चेहरे में ना बहुत जरूरी होता है 15 या फिर 18 या फिर 20 दिन में आप अपने चेहरे के मॉइस्चराइजर कितने अच्छे से कम्प्लीट कर सकते हो। तो अभी ना सबसे बेस्ट तरीका है हाउसवाइफ के लिए। तो इन सारे चीजों से ना आज मैं आपको थोड़ी सी सुंदर दिखने की कोशिश जरूर करूंगी। तो हम बारीकी से एक एक स्टेप को करते हैं, आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम अपने चेहरे को फेस मतलब अच्छे से क्लीन करने के लिए, ताकि हमारा ये जो ब्लैक हेड दिख रहा है, ये जो पिंपल्स दिख रहे हैं, ये पिंपल्स हमारा क्या है ना, जैसे हम इसको फेस पैक यानी कि मुल्तानी मिट्टी को जैसे इस पे यूज करेंगे उसके बाद क्या इसमें थोड़ा नमी आ जाएगा। और नमी आने के बाद जैसे हम इसके बाद स्क्रब करेंगे, स्क्रब करने के बाद थोड़ी सी हमारे चेहरे में अच्छा सा टाइट वगैरह हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो जितने ब्लैक हेड्स है वो सारे हट जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अभी इसका हर्बल पैक यूज कर ले रही हूँ। मैं क्वांटिटी आपको दिखा दूं कितना लेना है हमें। ये देखिए, आप चाहो तो इसमें गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार कर सकते हैं या फिर नॉर्मल वाटर से भी आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास है वाटर तो फिर हम वाटर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ बिंदी हटा ले रहे हैं। ये देखिए, तो अब हम इसे थोड़ा सूखने देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपको फेस पैक लगाने के लिए ना उससे पहले क्या करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अब जैसे मेरा हल्का देखिए यहाँ पे सूखना शुरू हो चुका है, तब इसको हम हल्के हल्के हाथों से हल्का हाथ में पानी लेंगे इस प्रकार से और ऐसे ऐसे करके निकालते रहेंगे इसको, ताकि हमारी जो गंदगी है ना वो अच्छे से स्क्रब हो जाए। और वैसे ही मेरा ना ऑयली त्वचा है, जिन लोगों का त्वचा ऑयली होता है वो तकरीबन रोज कम से कम मुल्तानी मिट्टी को यूज तो कर ही सकते हैं और साबुन बहुत कम यूज करें। अब रहा हमारे पास ये सिंपल सा रुमाल, अब इसे पानी में भिंगोना है और भिंगा के हल्का सा धीरे धीरे निकालना है। सबसे बेस्ट स्क्रब हमारा ये है एवरी यूथ का, जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। महीना में एक बार मैं स्क्रब कर ही लेती हूँ, मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि आप भी जिनकी ऑयली त्वचा है आप एवरी यूथ का यूज कीजिए, बहुत अच्छा है। अब थोड़ा 5 मिनट के लिए ना हम थोड़ा से अच्छे से सूखने देते हैं और सूखने के बाद हम लगाने वाले हैं फेस पैक मास्क। ये देखिए, ये मास्क चारकोल का है, बहुत अच्छा है और ये क्वांटिटी बहुत अच्छा आता है। आप इसे पूरा नहीं लगाना है बल्कि आप इसे 2 बार यूज कीजिएगा। और ये ना जो मास्क है पिल मतलब जितने जो आपके दाने वगैरह है ना, ये चीज को दोबारा ना इसको भरने में काम देता है और आपके चेहरे पर जितने जो ब्लैक हेड्स दिख रहे ना वो सारे हट जाएंगे। तो फाइनली मेरा चेहरा अच्छे से सूख गया है। अभी मैं आपको बारीकी से दिखाती हूँ कि इसे कैसे लगाना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, चारकोल यूज करना ही चाहिए। और आप कुछ दिख भी रहा होगा, ये देखिए इस प्रकार से आंखों पे बिल्कुल नहीं जाना, ना फिर आंखों पे आना चाहिए और ना ही ये जो भाव आपका है ये थ्रेडिंग वाला उस पे नहीं जाना चाहिए। नाक के पास भी लेकर जाना है तो आप यहाँ पे ही ऐसे ही रहने दीजिएगा, नाक को बंद मत कीजिएगा, ओठ के किनारे से ही लगाना है इसे। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं आपका मास्क। तो इसको लगाने के बाद ना कम से कम 10 से 15 मिनट तक ये सूखने देंगे और सूखने के बाद जैसे ही हमारा ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद हम अच्छे से उसको उखाड़ लेंगे। तो और कितना लगाना है मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। मेरे हाथ में देखिए ब्लैक ब्लैक लगना शुरू हो गया है क्योंकि ये पैकेट है। ये देखिए अब लगाना कैसे है, ये देखिए यहां से।
ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से पूरे चेहरे पे फेस पैक लगा लिया है। कम से कम 15 मिनट तक मुझे ना कुछ बोलना है और अच्छे से सूखने देना है, उसके बाद फिर आप इसके अच्छे से हटा सकते हो। दोस्तों मौसम काफी ज्यादा सुहाना है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी, और धूप नहीं है। और इधर देखिए रूबी क्या क्या लगाते रहते हैं। ये देखिए जूनियर जी छोटा वाला बन गए हैं, तो उनका चेहरा गजब दिख रहा है, कोई पहचान नहीं पाएगा। डुबू देखेंगे तो डर जाएंगे कि आखिर है क्या ये। अभी डुबू सोए हैं ना, इसीलिए तो फटाफट से सारे टिप्स कर रही हूँ। धूप आ गया फिर से, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। लेकिन धूप यहाँ पे धूप नहीं है, प्लास्टिक से हमारा छाया हुआ है यहाँ पे। आपका आपको कैसा लग रहा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी वरना मास्क मेरा ये खराब हो जाएगा। हम क्या बोले, हमको तो खुद डर लगा देख के कहीं जुमला जी सामने ना आ जाए। बताइए। हाँ वैसे भी होता है ना, अगर हस्बैंड वाइफ लोग थोड़ा सा मेकअप के सामान अगर हस्बैंड ये पैकेट से निकाले तो डर तो लगता ही है हर हस्बैंड जी को। दोस्तों अभी जो है डुगू साहब उठ गए हैं, ये देखिए उठकर अभी ये कुछ खा रहे हैं। और यहाँ पर रूबी जो है ना, जो मास्क लगाए है फेस में, ये क्या चारकोल बोलते हैं इसको, तो चारकोल को भी हटाने वाले हैं। ये देखिए हमारे हाथ में नहीं लग रहा है ना, अच्छे से पूरी तरह सूख गया है, हाथ में नहीं लग रहा है। तो 15 से 20 मिनट मैंने छोड़ दिया था, और इसे ना यहाँ से नहीं हटाना चाहिए, कभी भी हट के कभी सोच के भी मत हटाइएगा। तो अभी हम यहाँ से करके पूरे अच्छे से इसको उखाड़ते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से उखाड़ना हम शुरू कर रहे हैं। एक तरफ आपका ये हाथ रहेगा, दूसरी तरफ आपका हाथ यहाँ होना चाहिए स्किन के पास। इसे निकालना भी थोड़ा ज्यादा हार्ड हमको लगता है कि है ना। ये देखिए कैसे निकाल रहे हैं, लग रहा है कि प्लास्टिक है चिपका हुआ हो चेहरे के ऊपर। आवाज भी कर रहा है प्लास्टिक के जैसा चूर चूर। हमको तो लगा कि हार्ड होगा इसे कबारना, लेकिन बहुत ही सिंपल है। ये देखिए एक हाथ आपको यहाँ भी देना है, यहाँ से देख हटाना है। यहाँ पर देख लीजिए ये निकाल लिए हैं चेहरे से अपना। देख कुछ पिंपल्स भी से निकलना शुरू हो गया था। ये देखिए अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको अच्छे से फिर से निकाल ले रहे हैं, ये पूरा प्लास्टिक निकल गया। तो ये देखिए दोस्तों कहीं कहीं कुछ ना छिप गया है, तो अब ये टिश्यू पेपर से ना इसको हम हटा लेंगे। तो दोस्तों अब ये देखिए हम अच्छे से पूरे हटा लिए हैं, अब जाएंगे और जाकर इसे ना ठंडे पानी से फिर वॉश कर लें। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, मॉइस्चराइजर डालेंगे। तो मेरे सबसे बेस्ट होता है मॉइस्चराइजर आपका बोरो प्लस, तभी मैं बोरो प्लस यूज करने वाली हूँ। तो दोस्तों उसके बाद ये देखिए हमारे हाथ में है मॉइस्चराइजर, जो मैं बोरो प्लस का हमेशा यूज करती हूँ। हाडुगु आइए, क्या आ रहा मजा, हाडुगु मजा आ रहा है। हाँ ये देखिए आई, अब मेरा स्किन बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा आपको, ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट। उसके बाद आपको जैसा मेकअप करना है आप खुद से ही मेकअप कर सकते हैं, अगर आपको हैवी पसंद है तो हैवी कीजिए, और सिंपल डिफरेंट पसंद है डिफरेंट कर सकते हैं। तो गाइस आप मुझे जरूर बताना कि मेरा चेहरे में पहले से कुछ इंप्रूव लग रहा है कि नहीं, तभी मैं हस्बैंड से पूछ लेती हूँ क्योंकि उनको भी बताना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों रूबी के चेहरे में कुछ डिफरेंट लग रहा है आपको, मुझे तो बहुत स्मूथ लग रहा है। आई होप दोस्तों आज का यह व्लॉग आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू व्लॉग के साथ, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय।